नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं मिलन वाटिका। आपके आपके स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूंगा, जरा आप किनारे होइए। आप यहां पर देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों का प्रतिभा सम्मान यहां पर आयोजित है इकरा, सूफी इकरा सोसाइटी की तरफ से। तमाम जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मुस्लिम समाज पहले इस तरीके के आयोजन नहीं करता था, लेकिन इधर से समाज से जुड़े हुए उन बच्चों को ये इंक्रीज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है जो लगातार अच्छे अंक से पढ़ाई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है पढ़ाई की तरफ इस समय मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा रुझान। आज बात इसी को लेकर, किस तरीके से आप यहाँ तैयारी करवाते हैं? यहाँ पे जो है एक महीने पहले से इसका जो है पोस्टर बैनर तमाम शहर में बांटे जाते हैं, मस्जिदों में बांटे जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर 330 बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। इसमें तरह तरह के इनाम रखे गए हैं। हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे उन्होंने भी तीन बच्चों को 25,000 का नगद इनाम किया हुआ है। ये एक बड़ी बात है, मैं बीच में रोकूं, अपने दर्शकों को बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां मैं बातचीत कर रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद थे। उन्होंने मुस्लिम समाज के तीन प्रतिभाशाली बच्चों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका सीधा सा फायदा उन बच्चों को जरूर मिलेगा जो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई किसी वजह से बेहतर तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती है। मैं अभी आपसे और बातचीत करूंगा। कितने बच्चे, जैसे अभी बताया 330, किस तरीके से किस किस क्लास का ये मामला है पूरा? ये सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान समिति का जो इस साल 2023 में आयोजन हो रहा है, इसमें 314 बच्चों को हम इनाम दे रहे हैं। उनमें कुछ और बढ़ गए हैं, 330 हो गए हैं। जैसे अभी जो है LKG के जो है हमारे पास 27 बच्चे हैं, UKG के 38 बच्चे हैं, फर्स्ट में जो है 27 बच्चे हैं, और इसी तरह क्लास सेकंड में 25 हैं, क्लास थर्ड में 14 हैं, क्लास फोर्थ में 21 हैं, क्लास फिफ्थ में 8 हैं, क्लास सिक्स में 10 हैं, क्लास सेवन्थ में 19 हैं, क्लास एट्थ में 15 हैं, और क्लास नाइन्थ में 24 हैं, और क्लास 10 में 32 हैं, क्लास 11 में 11 हैं, और क्लास 12 में 28 हैं। और जो ग्रेजुएशन को भी हम लोग इनाम देते हैं उनमें 10 बच्चे आए हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनमें हमारे 3 बच्चे आए हैं। ग्रेजुएशन में 10 बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 बच्चे, इसका मतलब है LKG से लेकर जब तक आप स्कूल कॉलेज आपके हाथ में किताब है, निश्चित रूप से मुस्लिम समाज उन बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को लगातार सम्मानित कर रहा है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर लगातार, जैसा कि अभी आपने बताया 330 बच्चे LKG से लेकर, तो चुनाव किस तरीके से करते हैं, कैसे बच्चों का चयन करते हैं आप? परसेंटेज से LKG से फिफ्थ तक 90% और फिफ्थ से एट तक 80% और उसके ऊपर जो है टेंथ और ट्वेल्थ तक में 75%, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन वालों को 70% हम लोग अंकित करते हैं और उनको पुरस्कृत किया जाता है। हर विभाग के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जितने भी बच्चे उसमें हों उस पर ये नहीं है कि 1, 2 या 3, जैसे कि अभी अमीन भाई बता रहे थे, हम चुनते हैं, परसेंटेज फिक्स कर दिया, उसमें 10 बच्चे भी हों, 15 भी हों, 20 बच्चे भी हों, उन सबको, क्या मैं सही कह रहा हूँ या इसमें और कुछ जोड़ेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी गरीब तबके के बच्चे इस पार्टिसिपेट में ले रहे हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी होगी एजुकेशन में, ड्रेस में, फीस में, किताब कापी में, तो ये कमेटी उसका पूरा सहयोग करेगी। इकरा सूफी कमेटी एक बड़ी बात और भी इस साल लेकर आई है, हालांकि पहले से भी कर रही थी, उन निर्धन बच्चों को जिनको आर्थिक अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाती, अब उनकी पढ़ाई भी इनके माध्यम से हो चुकेगी, वो चाहे किताब का मामला हो या फिर फीस का मामला हो। इस तरीके से ये नई परंपरा, नई शुरुआत, क्या आपको लगता है कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप से भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, उसका कैसे इंतजाम? देखिए, हमारी जो समिति है, इकरा समिति जो है, उसमें हम लोग जो है आपस में ही ये तय कर लेते हैं
हम लोग अभी तक कहीं किसी के पास कोई भी मदद लेने नहीं गए, और रहे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मदद लेने की। अभी हम लोग जो है इतना सक्षम है कि हम लोग अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहें, हमारे पास दानिशमंद लोग हैं जिनसे हम मदद लेते हैं, और वो हमारे कमेटी के लोग हैं तो मदद बराबर करते हैं और उन्हीं से हमारा काम चल जाता है। मुस्लिम समाज आज इस स्थिति में है कि वो अपनी सोसाइटी का अपने से इंतजाम कर सकता है। तमाम रीवा शहर के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि आर्थिक रूप से जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, आप लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, और ये सिलसिला ये कब से आप लोग कर रहे हैं जरा ये बताइए। मैं दर्शक ये तो निरंतर 12 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ कारणवश ये सोसाइटी का नाम सूफी एकरा करना पड़ गया हमको। ये निरंतर हम लोग 12 साल से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोचिंग का भी सूफी एकरा के इंतज़ाम किया जा रहा है। बच्चों को जो जिनके पास ट्यूटर नहीं है उनको ट्यूशन देने का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह इसके बाद। मैं बीच में रोकूंगा, अभी आपने कहा कोचिंग, तो ये बताइए जो इस समय आपको देख पा रहे हो, तमाम रीवा शहर आपको देख रहा है, मुझे ये बताइए वो जो बच्चे आप अपने मुस्लिम समाज के या जो भी आपके यहाँ पढ़ना चाहे सबको आप कोचिंग देंगे? जी सभी को, जो भी पढ़ना चाहे हमारे यहाँ, गरीब बच्चा हो जिसके पास फीस के पैसे ना हो उसको फ्री कोचिंग दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये एक बड़ी बात है, आज इकरा सूफी सोसाइटी प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर रही है, साथ ही इन्होंने कोचिंग का भी फैसला किया है, कोचिंग करेंगे, और कोचिंग पूरे रीवा शहर के बच्चे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिनका पढ़ाई में रुझान है उनको हम कोचिंग देंगे। एक सवाल मेरा अंतिम सवाल आप लोगों से और है कि कोचिंग की बात हो रही है, किस क्लास से कोचिंग? कोचिंग फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए कोचिंग कक्षा एक से प्रारंभ होगी, और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी इस कमेटी पर, जो ऊपर पीछे मंच पर जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, अभी आपने बताया पिछले 12 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। अब इसका दायरा व्यापक होने जा रहा है, अब पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग, प्रतिभा सम्मान कोचिंग, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं अपनी बात खत्म करूं, उसके बाद जाकिर भाई से अंतिम कमेंट ले लेता हूं। हाँ, अंतिम कमेंट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी अगले साल से हम लोग इसको जिले में जो मऊगंज है, देवघर है, मनगमा है, इन जिलों के बच्चे अभी यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भी अगले साल से प्रयास किया जाएगा कि वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक विस्तार को बढ़ाना है। ये एक नई बात और आई है कि अब हम जिले के बच्चों को इसका सीधा सा अर्थ है, अगले साल ये प्रतिभा सम्मान जो होगा निश्चित रूप से यहाँ पर 330 की जगह 600 बच्चों का सम्मान ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरे जिले भर के प्रतिभावान बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। नई चीज़ों में हमने इस बार खाने का पूरा इंतजाम किया है बच्चों, ठीक है, वो तो अलग बात है, खाने पीने का एक अलग बात है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और लोगों को सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक मुस्लिम समाज के बारे में कहा जाता था ये लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ इनका रुझान नहीं होता है, ये लोग इनके घर में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे पैदा होते ही कामकाज में लगा दिया था। लेकिन मैं एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगातार ट्रॉफियाँ, 330 ट्रॉफियाँ रीवा शहर में आज तक किसी ने नहीं बांटी। 330 ट्रॉफियों का एक लंबा दायरा होता है, वो भी उन बच्चों के लिए जो परसेंटेज में, जैसे हमने फिक्स किया था कि हम 70%, 75%, 80% अलग अलग हिसाब से अलग अलग उनको देंगे, इनाम देंगे, और आज ये समाज ने ये कारनामा कर डाला है। अब देखना दिलचस्प है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा अगले साल लगातार हम जिले भर के बच्चों को बुलाएंगे और उनका भी प्रतिभा सम्मान लगातार यहाँ पर वो करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले हमारे साथ एक यहां पर आयोजन समिति के सबसे खास शख्स भी मौजूद हैं, अभी तक संचालन कर रहे थे, अब हमारे बीच में हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज की जो प्रतिभाएं हैं वो शिक्षा क्षेत्र से बहुत पिछड़ी हुई थी, और आज
आपने देखा होगा या सुना भी होगा, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात साफ साफ आई थी कि हमारा शिक्षा का परसेंटेज जो है इतना कम है कि हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जब हमारा पार्टिसिपेशन का परसेंटेज ही कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो इसी कोशिश की गई है कि हमारे मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए कॉम्पिटिशन के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। उसके बाद हमें अपने योग्यता के अनुसार काम मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी और हम भी शासन के तंत्र के रूप में देश की सेवा करने में सक्षम हो सकेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो। अगर शिक्षा नहीं है तो हम बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं होते। तो इसलिए हमारी संस्था ने 2009 से ये प्रयास किया है कि जितने भी बच्चे मुस्लिम समाज के पढ़ाई से गाफिल थे या पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि नहीं थी, उनमें रुचि को विकसित किया जाए, उनके रुझान को बढ़ाया जाए।